यो कहानी है छज्जूपुर गांव के एक गज्जू की। अब भाई पढ़ाई में था वो जीरो और भाई एक्टिंग में था वो हीरो। अबे खामोश, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। और जिस पूरे दिन फिल्म से दारू के निकल उतारते रहता है, जा के बाजार से सब्जी लेकर आ। अरे माँ, मैं आज भी फेंके वो पैसे नहीं उठाता। ननायक मेरी जान लेगा क्या? जानी, ये चाकू है, बच्चों के खेलने की चीज नहीं। हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। बच्चे निकल जाओ मेरे घर से। मारे का एक्टिंग छोड़ दो, बाबूजी ने कहा घर छोड़ दो। एक वो दिन आएगा जब लोग कहेंगे तुम यही छोड़ दो। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। बच्चे की जान लेगा क्या? फिर एक दिन बल्टी गज्जू की तकदीर जिबलो देखी उसने यो तस्वीर। अब फिर बोझा गज्जू एक ऐसे मंच पर जहाँ लो दिखाना था उसे अपना हुनर। ओए गुरु, चल हो जाए शुरू। अच्छा है, बहुत अच्छा है। आ गए बदंती का नाच देख ले। यूकी, ये कौन बोला? नाच देखना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है नाच देखने के बाद तालियां बजाना। ए! मेरी माँ तुम कुत्ते के सामने नहीं नाचेगी, वो नाचेगी तो सिर्फ मेरे पापा के सामने। और रही बात ताली की, तो वाहेगुरु जी सो, तुम सबके हिस्से की तालियां मैं अकेला बजा सकता हूँ। अरे तुम सब गधे हो गधे, तुम तो तालियां भी नहीं बजेंगी। सनी, तेरी माँ की। ए! मैं बहुत इज्जत करता हूँ। अपन से बड़ा डांसर कौन है? ए भाई, अरे बसंती का कोई हमें भी नाच दिखा दो भाई। ओ छा गए गुरु, छा गए, छा गए, छा गए, छा गए। फिर लो आई विजेता की बारी, जिज्जा भाई गज्जू ने बाजी मारी। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। फिर लो आई पीछे से एक आवाज, इब्जा सुना अपनी ओरिजिनल आवाज। अरे माँ, अग भाई किस्मत को था कुछ और ही मंजूर। ए भाई, गज्जू होल लिया अपनी असली आवाज ढूंढने पर ही मजबूर। तो भाई यो था हमारा गज्जू, जो जीत के भी गया हार, शायद इसी को कहते हैं एक सच्चा प्यार।